नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम कक्षा 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, अंग्रेजी माध्यम के लिए जो किताब चलती है ज्योति भाषा के तौर पर, उससे हम रहीम कवि के दोहों की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसके तहत हम आपको दोहों की व्याख्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग और पदलालित प्रश्नोत्तर तथा रहीम का जीवन परिचय भी देंगे। तो चलिए पहला पद देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसमें कठिन शब्द नहीं है, एक शब्द ही है आया है, गांठ। तो गांठ यानी गठान, जब धागे को बांधते हैं तो गठान लग जाती है। संदर्भ में हम लिखेंगे यह दोहा कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है और इसमें रचनाकार कवि रहीम ने इनकी रचना की है। प्रसंग में बताएंगे कि यहां पर प्रेम की भावना के स्थायित्व पर जोर दिया गया है। और अब व्याख्या पर आते हैं। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप धागे के समान होता है, वह जरा सी लापरवाही और बुरे व्यवहार के कारण टूट जाता है, इसलिए उसके प्रति हमें बहुत ही संवेदनशील रहना चाहिए। प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो फिर उसे मूल रूप में नहीं लाया जा सकता। अगर हम उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। गांठ पड़ जाने से तात्पर्य है कि खलिश आ जाएगी, मन में हमेशा के लिए एक दर्द बना रहेगा कि बीच में हमारे संबंध बिगड़ गए थे। अब पद सौंदर्य देखते हैं। एक तो ये कि ये दोहा छंद है, दूसरा इसमें गेयता का गुण है, इसे गाया जा सकता है, इसमें शांत रस है, सरल और सहज भाषा है तथा इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्रेम को धागा बना करके प्रस्तुत किया गया है और इसमें प्रसाद गुण है। दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुन अठ लई है लोग सवय बांट न लई है कोय। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके मायने जान लीजिए। निज याने अपने, विथा याने दुख, गोय याने छिपाना, अठिलइये याने इतराएंगे, मना मजा लेंगे, और बांटना याने सहभागिता करना। संदर्भ पहले की तरह रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा और वह होगा कि यहां पर कवि ने अपने दुखों को दूसरों के आगे प्रकट करने से मना किया है, सलाह दी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब व्याख्या पर आते हैं। रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने मन की व्यथाएं, जो मन में दुख हैं, तकलीफें हैं, उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके व्यथा को सुनकर उसका मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, इतराते हैं, उपहास करते हैं, परिहास करते हैं, सहभागिता नहीं करते, आपके दुख के साथ जुड़ते नहीं। और इसका पदलालित, सब चीजें पहले की तरह भी होंगी, जैसे दोहा छंद है, गेयता का गुण है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, सरल भाषा है। तीसरा पद, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। इसके शब्दार्थ देखते हैं। साधे यानी सिद्ध करना, मूल यानी जड़ को, अघाए यानी तृप्ति होना। संदर्भ पहले की तरह रहेगा, प्रसंग होगा कि यहां पर किसी एक पर ही आस्था रखने की सलाह दी गई है। रहीम कवि कहते हैं कि एक को साधने अथवा सिद्ध करने से सभी कुछ सिद्ध हो जाता है।
हमें बहुदेवतावाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बहुतों को साधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम सबको साधना चाहेंगे तो सभी हमारे हाथ से चले जाएंगे, कोई सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तब हमारी आस्था, हमारी साधना बट जाएगी। उन्होंने उदाहरण दिया है कि पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो वह फूलता है, फलता है, शाखाएं आती हैं, पत्ते आते हैं, और इतनी तादाद में आते हैं कि आप उन्हें देखकर, उनका रस लेकर, उनको उनका फल खाकर तृप्त हो सकते हैं। पेड़ की तने को, शाखा को, पत्तों को, फूल को सींचना नहीं पड़ता, बस जड़ को, एक को सींचो तो पूरा पेड़ जो है वो खेल उठता है। इसमें पदलालित है, दोहा छंद है, गीता का गुण है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। चौथा पद, और अब शुरू करते हैं पद चौथा। चित्रकूट में रम रहे रहिमन अवध नरेश, जो पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इसमें शब्दार्थ देखिए, रमि रहे यानी आकर रहे, अवध नरेश यानी श्री राम, विपदा यानी विपत्ति। संदर्भ पहले की तरह रहेगा, प्रसंग है कि चित्रकूट की विशेषता इस पद में बताई गई है। रहीम कवि कहते हैं कि जिस पर रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा थे, उन्हें भी एक बार चित्रकूट में आकर रहना पड़ा, क्योंकि जिस पर भी विपत्ति आती है वह चित्रकूट आकर के रहना पसंद करता है या उसे यहां आना पड़ता है। तो इस तरह चित्रकूट के स्थान की ये एक विशेषता कवि ने बताई है। अब हम इसका पद सौष्ठव देखते हैं, यानी वही पद सौंदर्य। दोहा है, गीता का गुण है, इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है और सरल भाषा है। पांचवा पद देखिए, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आए, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। इसमें शब्दार्थ देखिए, दीर्घ यानि बड़े, आखर यानि अक्षर, नर यानि रस्सी, नट यानि रस्सी पर चलने वाले, थोरे यानि कम। संदर्भ पहले की तरह, प्रसंग है, दोहा छंद की विशेषताओं को प्रकट किया गया है। कवि कहते हैं कि छंद में बहुत कम शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि जिस प्रकार रस्सी के ऊपर चलने वाला नट जब दो बांसों में बंधी हुई रस्सी पर चलने के लिए बांस पर चढ़ता है तो पहले वो अपने शरीर को सिकोड़कर छोटा कर लेता है और फिर शरीर को फैलाता है, फिर सिकोड़ता है और इस तरह वो ऊपर तक चढ़ जाता है। इसी तरह दोहे में कम अक्षर होते हैं लेकिन उसके अंदर अर्थ बहुत गहरे होते हैं। अब हम पद सुषमा देखते हैं, पद सौंदर्य को ही पद सुषमा भी कहते हैं। तो दोहा छंद है, गीता का गुण है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, उपमा और दृष्टांत तथा अनुप्रास अलंकार, तीन अलंकार यहां आए हैं और भाषा सहज सरल है। अब हम अगला पद लेते हैं, छठवां। धन रहीम जल पंक को लघु जी पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। इसके शब्दार्थ देखिए, धन यानी धन्य, पंक यानी कीचड़, लघु यानी छोटे, उदधि यानी समुद्र। संदर्भ पहले की तरह रहेगा, प्रसंग है कि यहां पर उपयोगी होने की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। रहीम कवि कहते हैं कि जो गड्ढा होता है और कीचड़,
वहां पर जमा हो जाता है, पानी भी उसमें रहता है, वह समुद्र की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ होता है। छोटा सा डबरा, कीचड़ वाला, पानी गंदा है जहां, और एक विराट समुद्र है, पर कवि कहते हैं कि समुद्र नहीं वह गड्ढे का पानी ज्यादा धन्य है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सैकड़ों उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन समुद्र इतना विशाल है, लेकिन खारा होने के कारण उसका पानी कोई भी नहीं पीता, उसके किनारे से सारा संसार ही प्यासा ही गुजर जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। तो जो छोटा है लेकिन अगर वह दूसरों के काम आता है, उपयोगी है दूसरों के लिए, लाभदायक है, उसका महत्व ज्यादा होता है। अब इसके हम पद सौष्ठव देखते हैं। दोहा छंद है, गीता का गुण है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, सरल भाषा है और दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि समुद्र का और गड्ढे का उदाहरण दिया गया है। पद सातवां, नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझं कछु न दे। शब्दार्थ है नाद संगीत की ध्वनि, रीझ यानी प्रसन्न होना, संदर्भ पहले की तरह ही रहेगा और प्रसंग है कि प्रसन्नता और आनंद वृत्ति पर कवि ने विचार प्रकट किए हैं। कवि कहते हैं कि जब संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस पर रीझ कर मोहित होकर जो हिरण है वो दौड़ा चला जाता है, यहां तक कि अपना शरीर भी वह कुर्बान कर देता है, क्योंकि उसका शिकार करने के लिए भी संगीत का उपयोग किया जाता है, पर वह इसकी परवाह नहीं करता। वह संगीत पर रीझने का, मोहित होने का जो उसका गुण है वो उसे महत्व देता है और उसके लिए प्राण भी देने को तैयार रहता है। मनुष्य जब रीझता है तो वह अपना सारा धन लुटा देता है, पर कवि कहते हैं कि जो रीझना ही नहीं जानते, मोहित होना नहीं जानते, वो तो पशुओं से भी ज्यादा गए बीते होते हैं। अब हम आते हैं इसके पद सुषमा को देखते हैं। दोहा छंद है, गीता का गुण है, शांत रस प्रसाद गुण, सरल भाषा, दृष्टांत अलंकार, हिरण का उदाहरण आया है। पद आठवां, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, फाटे यानी फटना, संदर्भ पहले की तरह, प्रसंग है, बात नहीं बिगड़ने देना चाहिए, अगर वह बिगड़ जाए तो फिर दोबारा उसे बनाया नहीं जा सकता। व्याख्या है, रहीम कहते हैं कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए और इतना सावधान रहना चाहिए कि कोई बात बिगड़ने ना पाए। बात बिगड़ने से तात्पर्य है संबंधों का बिगड़ना, बात बिगड़ने से तात्पर्य है रिश्तों में खटास आना, बात बिगड़ने से तात्पर्य है कि कोई काम हम किसी का बिगाड़ दें, नुकसान पहुंचाएं, उसे तकलीफ दें, दुख दें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार बात बिगड़ जाए तो फिर दोबारा उसे नहीं बनाया जा सकता, वो हमेशा के लिए हृदय में घर कर जाती है। उदाहरण दिया है कि एक बार दूध फट जाए तो आप कितना भी मथिए फिर उससे मक्खन नहीं बनाया जा सकता। पद सौंदर्य है कि दोहा है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, गेयता का गुण है, से गाया जा सकता है, शांत रस है और शांत रस है तो प्रसाद गुण होगा, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है और सरल भाषा में।
पदनोमा, रहीमन देख बड़ेन को लगो न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। अब इसके हम संदर्भ के पहले शब्दार्थ देखते हैं। बड़े यानी बड़े लोग, बड़ी चीजें, लघु यानी छोटा, तलवार यानी तलवार। संदर्भ पहले की तरह होगा, प्रसंग है कि छोटी वस्तुओं या साधारण मनुष्यों के महत्व को भी स्वीकार करना चाहिए। कवि कहते हैं कि बड़ी वस्तुएं देखकर, बड़े लोगों को देखकर, कोई पैसे में धनी है, कोई यश और अपने सम्मान से बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उनके आगे बिछने लगते हैं, और कोई निर्धन है, गरीब है, साधारण है, तो हम उसको किसी तरह का सम्मान नहीं देते। तो यही बात रहीम ने सदाचार की हमको सिखाई है कि बड़े के सामने छोटे को आप उसकी उपेक्षा मत करिए, क्योंकि जहां सुई उपयोग में आ सकती है वह काम आप तलवार से नहीं कर सकते। कपड़े में एक बटन टांकनी है तो सुई से ही टांकी जाएगी, तलवार उससे कई गुना बड़ी होती है, उससे आप बटन नहीं टांक सकते। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है, उसकी उपेक्षा मत करो। पद सौंदर्य है, इसमें दोहा छंद है, गीता का गुण है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण आया है इसमें, और अत्यंत सरल भाषा है। दसवां पद, रहीमन बिन संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। शब्दार्थ देखिए, जलज यानी कमल, जल में जो पैदा हो, जल धन ज, ज यानी जन्म लेना, जल में जो पैदा होता है तो कमल जल में पैदा होता है, इसलिए कमल को भी जलज कहते हैं। मछली को भी आप जलज कह सकते हैं, वो भी पानी में पैदा होती है। घोंघा को कह सकते हैं, मेंढक को कह सकते हैं, काई को कह सकते हैं। जलज का तात्पर्य है, अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाला, यहां पर उसका तात्पर्य कमल से है। और रवि यानी सूर्य, संदर्भ पहले की तरह रहेगा, प्रसंग है कि कवि बताना चाहते हैं कि अपनी संपत्ति ही विपदा के समय काम आती है। और इसका, इसकी व्याख्या करते हैं कि कवि कहते हैं कि अगर आपके पास आपकी अपनी संपत्ति नहीं है तो विपदा के समय और कोई आपके काम नहीं आएगा, आपकी संपदा ही आपके काम आएगी। जैसे अगर कमल के पुष्प को पानी से अलग कर दीजिए तो सूर्य भी उसके जीवन को नहीं बचा सकता। सूर्य से तुलना क्यों की गई? क्योंकि जब कमल रात को बंद हो जाता है और सुबह सूर्य के निकलने पर कमल की कलियां खिल जाती हैं, पंखुड़ियां खोल जाती हैं, तो सूर्य के निकलने पर वह खिल तो जाता है पर उसका जीवन पानी पर निर्भर है जो उसी के पास है। तो उसके पास अपना जल नहीं होगा तो आसमान में रहने वाला सूरज भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और अब पद ग्यारहवां, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये बहुत विख्यात दोहा है, बार बार इसे दोहराया जाता है, कहा जाता है समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में। गर्मी के दिनों में पानी जब नहीं होता तो इसका जिक्र होता है, आप भी इससे वाकिफ हैं। शब्दार्थ देखिए, सून यानी व्यर्थ या सूना, चून यानी चूना अथवा आटा। संदर्भ पहले की तरह, प्रसंग है
पानी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब व्याख्या देखिए, रहीम कवि कहते हैं कि पानी को हर हाल में संभाल कर संरक्षित करके रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उन्होंने तीन उदाहरण दिए पानी के, तीन अर्थ यहां श्लेष अलंकार है। सॉरी, पानी के तीन अर्थ हैं। मोती में अगर चमक नहीं होगी तो वह मोती मूल्यवान नहीं माना जाएगा। यहां पानी का अर्थ है चमक। मनुष्य के पास उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। यहां पानी का मतलब है प्रतिष्ठा, मुहावरा भी है। कहा जाता है अगर कोई किसी के बेइज्जती करे तो कहा जाता है कि इसने तो मेरा सारा पानी ही उतार दिया। और तीसरा है शब्द है चून। चून के दो अर्थ हैं, चूना और आटा। चूने के लिए पानी का अर्थ है पानी, और आटे के लिए भी पानी का अर्थ है पानी। चूने में जब तक पानी नहीं मिलाएंगे तब तक वह बुझेगा नहीं, उसमें से गैस नहीं निकल जाएगी और उसका उपयोग तब तक नहीं होगा। जब पानी में उसको फुला दिया जाता है, कई घंटे तक रहने देते हैं, तब चूने का उपयोग पोताई के लिए किया जाता है। अगर हम इसका अर्थ आटा लें तो आटा हमारे घर में है, पर रोटी तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक उसमें हम पानी मिलाकर उसे गूंथने का काम न करें। तो पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, आदमी के लिए प्रतिष्ठा, और चूना और आटा के लिए पानी। तो ऐसी जगह पर श्लेष अलंकार होता है। पदलालित्य देखिए, दोहा छंद है, गीता का गुण है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, और इसमें श्लेष अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार आया है, दृष्टांत अलंकार है, सरल भाषा भी प्रयोग में लाई गई है। तो यह था हमारे रहीम कवि की व्याख्याओं का, पदों की व्याख्या। अब हम करेंगे कवि रहीम के दोहों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। देखिए, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका का है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? तो उत्तर है, प्रेम का धागा टूट जाने पर पहले की भांति इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह जुड़ नहीं सकता, अपने मूल रूप में वापस नहीं आ सकता, और अगर हम उसे जोड़ना ही चाहें तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। ख, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो इसका उत्तर है कि हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा उसमें सहभागी नहीं बनता, उनका व्यवहार उपहास करने वाला हो जाता है। और अब गा है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को, पंख यानी कीचड़, कीचड़ वाले पानी को ज्यादा धन्य इसलिए कहा है क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल है, परंतु खारा होने के कारण उसका पानी कोई नहीं पीता। लेकिन गड्ढे में, कीचड़ में गंदा पानी जो भरा होता है उसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीवाणु इत्यादि पी करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं।
अब है घ, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? उत्तर है एक को साधने से सब उसी तरह सज जाता है जैसे जड़ को सींचने से पूरा पेड़ फलने फूलने लगता है। और इंगा, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर सकता? उत्तर है कि कमल तालाब के जल में खिलता है, यही उसकी अपनी संपत्ति है, और अगर पानी ही नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश में वह खिलता अवश्य है। जब तक सूर्य नहीं निकलेगा कमल नहीं खिलेगा, लेकिन जल नहीं होने पर सूर्य की उपस्थिति होने से भी कमल नहीं खिल सकेगा, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की जो जल रूपी संपदा है वह नहीं होगी। अब चाहे अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? उत्तर है अवध नरेश श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उन्हें वनवास भोगना था और इस रूप में उनके ऊपर एक विपदा आई हुई थी, तो इस विपदा के कारण वे चित्रकूट गए थे। छ, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? उत्तर है नट अपने शरीर को सिकोड़ने की कला में सिद्ध होता है, और इसलिए वह जब बांस पर चढ़ता है तो पहले अपने शरीर को सिकोड़ता है और फिर उसे उछालता है, इस तरह वह एक बंदर की भांति बांस पर चढ़ जाता है। जा, मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी का महत्व इस प्रकार है, इसके तीन अर्थ हैं पानी के। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा सम्मान, और चूना अथवा आटे के लिए पानी का अर्थ है पानी जल। तो मोती में अगर चमक नहीं होगी तो मोती को मूल्यवान नहीं माना जाएगा। मनुष्य में अगर सम्मान नहीं होगा, आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा इज्जत आबरू उसकी नहीं होगी, तो समाज में उसका कोई महत्व नहीं होगा। और जब तक चूने में अथवा आटे में पानी नहीं मिलाया जाएगा तब तक उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो तीनों के संदर्भ में पानी का तीन तरह का महत्व है। अब प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। का, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो उत्तर इसका भाव है प्रेम टूट जाए तो फिर से वही प्रेम नहीं रहता। किसी तरह प्रेम का संबंध जोड़ भी लिया जाए तो उसमें खलिश बनी रहती है। खा, सुन अठ लई है लोग सब, बांट न लई है कोई। उत्तर, इसका भाव यह है कि अगर हम अपनी व्यथा दूसरों से कहेंगे तो लोग उसे सुनकर आनंद लेंगे, मजा लेंगे, परिहास करेंगे, लेकिन कोई हमारे दुख में आकर शामिल नहीं होगा। गा, रहिमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। इसका उत्तर है, भाव इसका बताएंगे कि जल सींचने से संपूर्ण पेड़ फलता फूलता है, हमें भी मूल कार्य को ही करना चाहिए। अगला है घ, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आए। इसका भाव है कि दोहे में, दोहा जो छंद है चार चरण का और दो पंक्तियों का, उसमें अक्षर तो बहुत कम होते हैं अन्य छंदों की तुलना में, लेकिन उसके अंदर जो अर्थ होता है वह बहुत व्यापक होता है। इंगा, नाद रीझ तन दे तो मृग
नर धन देत समेत, इसका भाव है कि मृग संगीत की ध्वनि पर मोहित होकर अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है और मनुष्य जब किसी से प्रेम करता है तो वह उसके लिए अपने संपूर्ण धन दौलत भी अर्पित कर देता है। चार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार, इसका जो भाव है वो ये है कि प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति अपना महत्व रखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति छोटा है, सामान्य है, निर्धन है इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है, या कोई वस्तु छोटी है इसलिए बड़ी वस्तु के सामने उसका कोई महत्व नहीं है। सुई से सिलने का काम किया जाता है, वह बहुत छोटी होती है, तलवार उससे बहुत बड़ी होती है, लेकिन तलवार से हम कपड़े नहीं सिल सकते। फिर छा है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो इसका उत्तर है, भाव इस तरह होगा कि मोती मनुष्य और चून के लिए पानी का विशेष महत्व होता है। मोती के लिए चमक आवश्यक है, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा आवश्यक है, और चून यानि चूना अथवा आटा, इनका उपयोग करने के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी मिलाने पर ही इस्तेमाल हो सकते हैं। और अब आते हैं प्रश्न तीसरे पर, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों से के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है वो हमें बताना है। का है, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है, तो ये भाव वाली पंक्ति है, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। खा, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर भी नहीं बनती, तो ये पंक्ति इसकी है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। और गा, इस प्रश्न का आखिरी हिस्सा है, पानी के बिना सब सूना है, पानी अवश्य रखना चाहिए, ये भाव किसमें व्यक्त हुआ है, तो उत्तर है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सो। और अब है प्रश्न चौथा, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखो, और उदाहरण दिया गया है कि कोय का प्रचलित रूप है कोई, जे का प्रचलित रूप है जो, तो हमें और भी शब्दों के लिखने हैं और वो इस प्रकार हैं, ज्यों का जैसे, नहीं का नहीं, धन का धन्य, जिए का हृदय, होए का होना, तरवारी का तलवार, मूलही का जड़ को, प्यासो का प्यासा, आवे का आना, उबरे का उद्धार होना, बिथा का व्यथा, परिजाय का पढ़ना, कछु का कुछ, कोय का कोई, आखर का अक्षर, थोड़े का थोड़ा, माखन का मक्खन, सींचिबो का सींचना, पियत का पीना, बिगड़ी बिगड़ी, सहाय सहयोग, बिनु बिना, अठलई है इठलाना। और अब हम करते हैं कवि रहीम का जीवन परिचय। रहीम जी का जन्म जो है वो सन 1556 में लाहौर में हुआ था, और उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के ज्ञाता थे। नीति संबंधी उन्होंने बहुत सारे दोहों की रचना की है, अतः उन पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव नजर आता है। वे अकबर के दरबार में रहते थे और उनकी गिनती अकबर के नवरत्नों में की जाती थी। रहीम की प्रमुख रचनाएं, रहीम की प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी,
रहीम, रत्नावली, बरवई आदि। अब हम उनके साहित्य की विशेषताओं को जान लें। रहीम ने मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति संबंधी रचनाएं लिखी हैं। उनके नीतिगत दोहों की बड़ी लोकप्रियता है, लोग उसको याद रखते हैं और अवसर आने पर उन दोहों का प्रयोग कहावतों की तरह करते हैं। भाषा शैली, रहीम ने सहज और सरल भाषा का प्रयोग अपने रचनाओं में किया है। दोहा छंद उनका सबसे प्रिय छंद है और उन्होंने अवधि तथा ब्रज भाषा दोनों में ही रचनाएं की हैं। उनकी मृत्यु सन 1626 में